हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज अब एक बार फिर हम हाजिर हैं कौन सी एक और स्पेशल ट्रिक के साथ। हमने आपको पहले बताई थी वाटर एडिशन रिएक्शन, लेकिन आज हम उन्हीं रिएक्शन को एक दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो सीखोगे? अरे बता दो यार, सीखोगे? तो सीखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए? सबसे पहला आपका काम है, इनको मालूम होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसका वक्त नहीं है। हमने आपको कमिटमेंट किया है 1 लाख रिएक्शन का तरीका सिखाएंगे। तो 1 लाख रिएक्शन कैसे सीखोगे? 1 लाख रिएक्शन नहीं सिखाई जा सकती है, लेकिन क्या सिखाया जा सकता, उसका मैथड जरूर सिखाया जा सकता। वही हम मैथड आपको बार बार, एक हमने वाटर एडिशन रिएक्शन से आपको एक मैथड सिखाया था, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर से आपको मैथड सिखाएंगे। लेकिन जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है, वो मेरे पहले वाले वीडियो से वाटर एडिशन रिएक्शन से इन्हीं रिएक्शंस के आंसर देख सकता है कि कैसे कैसे रिएक्शन सॉल्व हुई थी। आज उन्हीं रिएक्शन को हम कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से। ये उससे भी ज़्यादा इजी ट्रिक है, देखते जाओ, बहुत आसान तरीके। अरे यार आगे आगे देखो, होता है क्या, बैंड बजाएंगे केमिस्ट्री की? बैंड बजाना है यार, मिल के बजाएंगे हम लोग। तो देखो, अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करें, कुछ एसिड हम लोगों को जानना है, फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक, सबसे पहले फास्फोरस के एसिड कौन से होते हैं, S3PO2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1, +3, +5। तीन एसिड होते हैं फास्फोरस के। अगला देखिए, क्लोरीन के कितने एसिड हैं, +1, +3, +5, +7। चार एसिड होते हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। नाइट्रोजन के दो एसिड होते हैं, एक होगा नाइट्रिक, एक होता है नाइट्रस, +5, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला देखिएगा, सल्फर के दो एसिड होते हैं, +6 और +4। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो एसिड हम लोगों को जो मालूम हो गया ऑक्सीडेशन नंबर जिसके ऊपर जितनी लिखी है, अब हम लोग क्या करें, वाटर से रिएक्शन करना है। कुछ रिएक्शंस डायरेक्टली आती हैं CBSE बोर्ड में, UP बोर्ड में डायरेक्टली, और उसके क्वेश्चन के आंसर समझ नहीं आ रहे होते। तो हम लोग क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जैसे SO2 का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +4। जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आए, तो देख लो ये सल्फर लिखा, सल्फर का +4 वाला एसिड कौन सा है, H2SO3। आंसर क्या आएगा, अरे यार देखो आ गया आंसर, H2SO3, यही इसका आंसर है। SO3 का देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप जानते हो बहुत अच्छे से, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। देखो +6 वाला एसिड कौन सा है, H2SO4। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, H2SO4। अगला देखिएगा, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। तो +5 वाला देखिए नाइट्रोजन का एसिड कौन सा है, HNO3। अरे यार देखो, इससे बढ़िया तरीका कहाँ से लाओगे, इतना आसान। अगला देखिएगा, N2O3 कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, +3। जब +3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो एसिड देखो कौन सा है, HNO2। ओ यार सारे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, कितना आसान हो चुकी है अब तो केमिस्ट्री, बैंड बजाने पे उतारू हो गए तुम लोग। NO2 कितना है, +4। तो +4, अब यार +4 तो है नहीं, कोई +4 का एसिड ही नहीं होता। अरे यार एक और तरीका बताएंगे हम तुमको, जानोगे, सीखोगे, चलो एक और सिखाते हैं। जब N2O4 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 का एसिड ना बने, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन वाले कॉलम में तो है ही नहीं, दो ही एसिड है। तो अब क्या करें कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +4, तो क्या करो, एक +4 से कम वाला बना दो, एक +4 से ज्यादा वाला बना दो। +4 से कम वाला एसिड कौन सा होता है, अरे यार यही तो होगा, और +4 से ज्यादा वाला कौन सा होगा, HNO3। तो इसका मतलब कितने एसिड बन रहे होंगे, दो। ये लो यार आंसर आ गए, HNO3, HNO2। आ रहा समझ में, क्यों श्रेया, बताओ भाई। श्रेया को बहुत प्रॉब्लम होती है रिएक्शन से, अब तो श्रेया को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, Cl2O की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +1। अच्छा +1 यार, क्लोरीन के एसिड लिखे हुए, क्लोरीन के ऑक्साइड है, तो क्लोरीन का एसिड देखो +1 वाला कौन सा, HClO, दिख रहा, अरे नोट कर लो फिर, क्या आया, HClO आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लो, Cl2O3 ऑक्सीडेशन नंबर +3। जब +3 तो कौन सा आएगा, HClO2। ये लो HClO2 लिख दो। नेक्स्ट देख लेते हैं, HCl, नेक्स्ट देखिएगा +5। जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कौन सा आएगा एसिड, HClO3। यहां HClO3 लिख दो। नेक्स्ट देखिएगा +7। अब +7 का क्लोरीन का एसिड कौन सा है, HClO4। तो ये लो HClO4। ठीक, समझ में आ रहे हैं। अगला देखिएगा, Clo2। अब Clo2 यार +4 फिर आ गया, कदो +4 वाला तो मालूम ही नहीं था।
अरे डरना नहीं है यार, डरना नहीं है बिल्कुल, सारे आंसर लाने हैं। प्लस फोर का मतलब क्या है? अरे जब प्लस फोर नहीं है तो इससे कम वाला बना लो, इससे एक ज्यादा वाला बना दो, मतलब एक प्लस थ्री वाला बनाओ और एक प्लस फाइव वाला। प्लस थ्री वाला कौन सा है? HClO2। और एक कौन सा? HClO3। HClO2, HClO3 आंसर हो गया यार। और देखो P2O3, P2O3 की ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितनी आएगी? प्लस थ्री। फास्फोरस के एसिड देखो सब ऊपर लिखे हुए पहली रो में, तो P2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट जब प्लस थ्री है तो प्लस थ्री वाला एसिड बनाओ, ये लो H3PO3 आंसर हो गया। P2O5 ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस फाइव, तो प्लस फाइव वाला एसिड कौन सा है? H3PO4 CO2। और CO2 का एसिड नहीं लिखे, जैसे CO2 का जो एसिड होगा वो ये बनता है H2CO3। इसका नाम होता कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोनिक एसिड, याद रखेंगे आप। ये देखो ये ऑक्साइड नहीं है लेकिन ये क्या है? क्लोराइड। इनके भी आंसर वाटर से सेम ही आया करते हैं, जैसे कि प्लस थ्री है, प्लस थ्री का एसिड अभी लिखे हम लोग, प्लस थ्री वाला वहां देखिएगा क्या लिखा हुआ, H3PO3 और साथ में क्या बन जाता है? HCl। इसी तरह प्लस फाइव वाले में क्या लिख दोगे आप? H3PO4 प्लस HCl। ठीक, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये बेस क्या है, ये बेस लिखे बेस है, और बेस की रिएक्शन हमेशा किससे होती है? एसिड से। अब तुमको तो ये तो ऑक्साइड है, एसिड तो है नहीं। अरे यार ये देखो तुम, सब में वाटर मिलाया था तो क्या बना था? एसिड ही तो बने, तो इसका मतलब ये सब क्या है? अपने आप में एक एसिड है। जब ये एसिड है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जितनी है, तो उसके क्या करो, जब हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं, आप एक यहाँ पे देख लो एक चीज, NaOH लिया और हमने क्या लिया? HCl। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करना स्टार्ट कर दें तो क्या बनेगा भाई? प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ जाता है, तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जो H हटता है उसकी जगह क्या लग जाएगा? मेटल्स लगा करते हैं, तो मेटल्स की जगह पे हमने NaOH ले रखा है। बाकी सभी के लिए सेम तरह की रिएक्शन हुआ करती हैं। जरा देख लेते हैं N2O5, N2O5 का एसिड कौन सा होता है? N2O5 का एसिड देखिएगा कौन सा लिखा हुआ है, देखो N2O5 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? प्लस फाइव, प्लस फाइव वाला एसिड कौन सा? HNO3। HNO3 में क्या कर दो आप? H हटा दो, जैसे ही आप H हटाओगे तो क्या बनेगा? NaNO3 प्लस H2। ये कौन सा एसिड बना? प्लस फाइव का। अगला देखिएगा N2O3 कितनी ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस थ्री, प्लस थ्री वाला आप देखिएगा इसका एसिड कौन सा? प्लस थ्री वाला कौन सा? यही तो है, तो इसका क्या करो आप? H हटाओ, इसकी जगह क्या लगाओगे? Na लगाइएगा, तो Na लगाओगे तो क्या आंसर आएगा? NaNO2 प्लस H2O। नेक्स्ट देख लो NO2, अब क्या हो गया? प्लस फोर। जब प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उससे एक कम वाला बनाइएगा, उससे एक ज्यादा वाला बना दो। तो एक कम वाला कौन सा है? ये लो कौन सा? कम वाला एसिड का बन गया सॉल्ट। और दूसरा कौन सा? NaNO3 प्लस H2O। ये क्या बनेगा? एसिड और बेस। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। ये देखो हम आगे प्रूव करके आपको दिखाएं, ये सब क्या है? नॉन मेटल के ऑक्साइड है और वाटर से रिएक्शन सबने क्या बनाया? एसिड। फिर देखिएगा NaOH और SO2। NaOH जब SO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? प्लस फोर। प्लस फोर वाला एसिड देखो कौन सा है? H2SO3। तो इसके क्या करो, जितने H लगे वो हटा दो, वो रिप्लेस कर दो किससे? Na से। तो आंसर आएगा Na2SO3 प्लस H2O। नेक्स्ट देखिएगा क्या आएगा? Na2SO4 प्लस H2O। अब देखो Cl2O, Cl2O की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? प्लस वन। तो प्लस वन वाला एसिड कौन सा है? HClO। HClO से क्या करो, H को हटाइएगा और Na को लगाइएगा प्लस H2O। Cl2O3, Cl2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री, तो क्लोरीन का प्लस थ्री का एसिड कौन सा होता है? HClO2। तो HClO2 से H को हटाइएगा और फिर से आंसर पाइएगा। अरे बड़े आसान तरीके सीख रहे हो, मस्ती मस्ती में सीखते जाओ भाई। Cl2O5, Cl2O5 का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना है? प्लस फाइव। तो प्लस फाइव वाला एसिड HClO3, H हटा दो, क्या लगाओगे? NaClO3 प्लस H2O। नेक्स्ट देखिएगा NaOH प्लस Cl2O7, एसिड कौन सा? HClO4। H हटा दो, क्या लगाओगे आप? NaClO4 प्लस H2O। फिर क्या करो, Clo2, अब ये Clo2 का तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर,
अरे डरना नहीं है, प्लस फोर वाला भी हमने जस्ट कराया था। कौन सा? ये दो एसिड बनाता है, जब दो एसिड एक यहाँ पर एन ए लगा दो, एक यहाँ पर एन ए लगा दो, तो ये लो एन ए सी एल, कौन सा एन ए सी एल ओ टू, एन ए सी एल ओ थ्री प्लस एच टू ओ। नेक्स्ट देखिएगा पी टू ओ थ्री, ये गड़बड़ कर ही देता है, कैसे करेगा? एसिड देखो कौन सा बनेगा पी टू ओ फाइव में, पी टू ओ फाइव का एसिड देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री, तो प्लस थ्री का कौन सा है एच थ्री पी ओ थ्री, एच थ्री पी ओ थ्री, तो आप क्या करोगे चमत्कार करोगे, कौन सा चमत्कार? आप ये चटाओगे, इसलिए क्या करोगे एन ए थ्री पी ओ फोर, यही तो लाओगे। जैसे ही लाओगे तो आप क्या करोगे माइनस वन के हकदार बन जाओगे। अब कह दो कैसे माइनस वन के हकदार बना दिया सर ने? अरे माइनस वन का हकदार इसलिए बनाया क्योंकि गलत कर बैठे हो यार। गलत कैसे हुआ? क्योंकि जो फास्फोरस के एसिड होते हैं, हमने आपको जितने भी ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे उसमें क्या करते हैं, जो ऑक्सी एसिड सॉरी कौन सा बनाया इसका प्लस थ्री, तो प्लस थ्री का ये बनेगा ठीक। तो इससे जो ऑक्सीजन लगे होते हैं, जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इससे जुड़े होते हैं फास्फोरस से, और हाइड्रोजन वही हटते हैं जो कहाँ से लगे होते हैं, किससे जुड़े हो गए, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है वही हाइड्रोजन हटा करता है। इसलिए क्या करो, इससे एक हाइड्रोजन हटता है केवल, कितने हाइड्रोजन हटेंगे एक, जब एक हटेगा तो आंसर आएगा Na(H2PO2+H2) जिसका नाम होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट ठीक है। तो सारी रिएक्शंस की हमने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट में और एक और रिएक्शन का पार्ट जो बताना है उसके लिए आप वेट करें। फिलहाल इन रिएक्शनों को अच्छे से आप कॉपी पे ड्रा कर लें और इसका रिवीजन करें, बहुत अच्छे से आपको सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी ठीक है।